सितारगंज के सिसोना में रिटायर्ड फौजियों ने मनाया शौर्य दिवस। इस मौके पर सितारगंज के समस्त रिटायर्ड फौजी उपस्थित रहे। वहीं उपस्थित कैप्टन आत्मा सिंह ने बताया कि 1971 के युद्ध के दौरान हमारी बटालियन ने पाकिस्तान को एक भारी शिकस्त दी। इस युद्ध में जो भी फौजी शहीद हुए थे, आज हमने उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर भगवान से प्रार्थना की कि उनकी आत्मा को शांति मिले। वहीं उपस्थित कैप्टन रेखाल जी ने बताया कि आज हमें बड़ा ही गर्व महसूस होता है कि हम देश के हित की लड़ाई लड़ चुके हैं। फौजी होने का हमें बड़ा ही गर्व है। कारगिल और पाकिस्तान से युद्ध करने में हमारी बटालियन ने बड़ा ही साहस दिखाया और हमने दुश्मन देश को पराजित कर दिया। युद्ध में शहीद हुए फौजी आज भी हमारे दिलों में रहते हैं और हम हर वर्ष इसी तरीके से शौर्य दिवस मनाते हैं। शौर्य दिवस बहुत ही अच्छा है। आज 16 दिसंबर का इतिहास ऐसा है जो कि क्या नाम कहा, इस इतिहास को स्वर्णिम अक्षरों में जो है लिखित दर्ज होता है। आज के दिन हमारी फौज संसार की सबसे श्रेष्ठ फौजों में से एक। आज का इतिहास उन वीर बलिदानों के लिए है जिन्होंने अपनी सदाहत देते हुए 93,000 पाकिस्तानी सेना का सरेंडर करवाया। शौर्य दिवस हमारी एक शान है जिसमें हमारी हिंदुस्तान की आर्मी ने 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया, उसका हमारी फौज ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए उनके ऊपर विजय प्राप्त करी। 16 दिसंबर को आज के दिन हमारे जनरल जगदीश सिंह रोड़ा के सामने जनरल ए न्याजी ने, पाकिस्तान के जनरल ने घुटने टेके 93,000 फौजियों के साथ में। ये एक हमारे इतिहास में सुनहरे अक्षरों से हमारा इतिहास लिखा गया है। हमको गर्व पैदा हो रहा है कि हम इस देश के फौजी हैं और हमारे जो वीर जवानों ने वहाँ पर काम किया उसकी कोई भी तारीफ नहीं की जा सकती। पूरा देश आज हमको बड़े गर्व से देखता है।